नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनरिता तनेजा, MD आयुर्वेदा, फरीदाबाद में आरोग्य आयुर्वेदा व पंचकर्मा केंद्र में हम आयुर्वेद व पंचकर्म के द्वारा रोगों की चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र होने के साथ साथ एक जीवन पद्धति है। इसमें हम पेशेंट्स को जो हमारे पास आते हैं उनको दिनचर्या व ऋतुचर्या की भी काउंसलिंग करते हैं, मतलब जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डिज़ीज़ है उसकी भी हम काउंसलिंग करते हैं। जैसे कब ब्रेकफास्ट लेना है, कब लंच लेना है, कब डिनर लेना है, इसकी काउंसलिंग यहाँ पर करी जाती है आयुर्वेद के अनुसार। और जो सीजनल रेजाइम है जिसे हम ऋतुचर्या बोलते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पेशेंट्स को समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद होती है, मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है वो हमारी वीक होती है, इसलिए जो हमारा खाना पीना होना है वो सुपाच्य होना चाहिए और बॉयल किया हुआ पानी पीना चाहिए। पुराना चावल है, पुराने गेहूँ है, पुराना जौ है, इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में दिन में नहीं सोना चाहिए और हल्का व्यायाम करना चाहिए। खाने पीने में मधु या शहद का इस्तेमाल करना चाहिए और गाय का घी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वात प्रकोपक काल है और गाय का घी उस वात प्रकोप को बैलेंस करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमें इसी क्रम में आगे हम हर पुष्य नक्षत्र पर बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार करते हैं। आपने सुना होगा पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा वरी होती है कि हर चेंजिंग सीजन में बच्चे बीमार हो जाते हैं या लूज मोशंस या कफ कोल्ड की प्रॉब्लम उनको रहती है, तो इसलिए उनकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है, जो बच्चों के इंटेलेक्ट को भी बढ़ाता है, उनको मेधावी भी बनाता है, उनकी स्पीच रेगुलरिटी को भी ठीक करता है, मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और साथ में बॉडी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। 0 ईयर से, मतलब कि जन्म के 1 महीने के बाद से 16 ईयर्स तक स्वर्ण प्राशन संस्कार हर पुष्य नक्षत्र पर बच्चों को दिया जाता है। अगर आज का मैं टॉपिक देखूं तो हम एक बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक आज लेकर उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे भी कोई भी चेंजिंग सीजन आया तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम आ जाती है कई लोगों को, साथ में बुखार, हेडेक, उससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या इन जनरल मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूँ तो साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो हमारे हेड है या फेस है उसमें कुछ एयर स्पेसिस होती हैं, उसमें जब इन्फ्लेमेशन आता है तो उसको साइनोसाइटिस बोला जाता है और उससे एसोसिएटेड फिर सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेडेक रहेगा, कफ कोल्ड रहेगा, डिजलिंग ऑफ नोज रहेगी, स्नीजिंग मिलेगा, हैवीनेस ऑफ हेड मिलेगा। और लॉन्ग रन तक जब ये प्रॉब्लम्स चलती हैं तो सोर थ्रोट, ब्रेथ, बैड ब्रेथ और लॉस ऑफ मेमोरी तक भी पेशेंट्स में विजिबल होता है। इसमें आयुर्वेद में हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जो कॉज है उसको हटाइए। तो कॉज यहाँ पर है जो भी वात प्रकोपक कारण है या डैम्प वेदर है, तो डैम्प वेदर, डैम्प चीज़ें या चिल्ड आइटम्स हैं उससे पेशेंट्स को हटना होता है। सेकेंड आती है हमारी मेडिसिंस जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यह कफ वातज व्याधि है तो जो भी हम मेडिसिंस यूज़ करते हैं वो कफ वात के प्रकोप को बैलेंस करने वाली होती हैं। जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकेशंस पेशेंट्स को दी जाती हैं। तीसरा जो सबसे एफिकेशियस हमारा प्रोसीजर होता है, पंचकर्मा में नस्य कर्मा किया जाता है। नासा ही शिरसो द्वारम, मतलब नासा ही सिर का द्वार है, इस कंसेप्ट को मानकर हम नोज़ में कुछ मेडिसिंस को डालते हैं, जैसे उसमें मेडिकेटेड ऑयल हो सकता है, कषाय हो सकता है, गाय का घी भी हो सकता है या मेडिकेटेड कोई और घी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन। जो पेशेंट हमारे पास साइनोसाइटिस के आते हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ सर्जरी ही आते हैं और जो ये पूरा ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसके मिराक्युलस रिजल्ट पेशेंट्स में मिलते हैं, जहाँ पर 7 डेज से लेके आप समझिए 21 डेज टू 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट का क्योर रेट बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स हमको विजिबल होते हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमो आपके सामने करेंगे कि किस तरीके से नस्य कर्मा किया जाता है, उसको आप देखेंगे तो उसे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ये नस्य कर्मा प्रोसीजर है, इसमें सबसे पहले पेशेंट को हेड मसाज देते हैं, इसमें मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ करते हैं, हेड मसाज पूरा देके फिर फेस पे मसाज स्टार्ट करते हैं, उसमें फोरहेड, नोज़, स्कैल्प रीजन, फेस पूरा, चीक्स वगैरह, नेक रीजन, ये पूरा कवर करते हैं। इस पूरे एरिया की मेडिकेटेड ऑयल से
मसाज करी जाती है। इसके बाद लोकल एरिया पे स्टीम दी जाती है। इसके बाद पेशेंट के दोनों नोज में मेडिकेटेड ऑयल या घी, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से जो भी हम चूज़ करते हैं, उसके ड्रॉप्स डाली जाती हैं। मिनिमम 2 ड्रॉप्स से जनरली स्टार्ट किया जाता है, 2 ड्रॉप्स से लेके 7 ड्रॉप्स, जैसे भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करके पेशेंट के नोज़ में डाला जाता है। इसके बाद पेशेंट को मेडिकेटेड धूम दिया जाता है, मेडिकेटेड स्टिक्स होती हैं जिनसे पेशेंट के नोज़ में धूम दिया जाता है, और ताकि जो कफ बड़ा हुआ है उसको वो कंट्रोल कर सके। इसके बाद पेशेंट को कवल धारण किया जाता है, मतलब मेडिकेटेड वाटर जो होता है वो मुंह में रख के उसको धारण करना होता है, और जो कफ उसका बड़ा हुआ है वो उसे स्पिट आउट करना होता है। ये लगभग पूरा प्रोसीजर 30 से 45 मिनट्स तक होता है, और इस पूरे प्रोसीजर में पेशेंट बहुत रिलैक्स हो जाता है इस प्रॉब्लम से। यहाँ पर साइनोसाइटिस का जो हम ट्रीटमेंट बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, उसमें फर्स्ट सिटिंग से ही पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है। तो यदि आप साइनोसाइटिस से सफ़र करते हैं तो अपने आसपास जो भी आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर है वहाँ कंसल्ट करिए और ये ट्रीटमेंट लीजिए, एंड यू विल हैव रियली मिराक्युलस रिजल्ट विद ऑल दिस ट्रीटमेंट। थैंक यू।